दोस्तों जब भी किसी घर पे अगर 41A का नोटिस आता है, जरूरी नहीं कि नोटिस आपके घर बाय पोस्ट ही आएगा। आपको व्हाट्सएप आ सकता है, आपको मेल आ सकता है, और हो सकता है कॉल भी आपको आए, फिर भी आपके पास व्हाट्सएप भेज दिया जाए। इन सभी मायनों में 41A का जो नोटिस होता है उसके कंप्लाइंस मान लिए जाते हैं, मतलब कि आपको 41A का नोटिस मिल चुका है। 41A का नोटिस आने के बाद में कई बार ऐसा देखा गया है कि मामला होता कुछ नहीं, बट मामले को आप इतना बड़ा बना लेते हो कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो, बेल डिसमिस होती है, बाद में सरेंडर करते हो, जेल जाते हो, जेल काट के आते हो, और जबकि मामला इतना बड़ा था नहीं, आप फुंसी का नासूर बना लेते हो। तो क्या क्या सावधानियां आप बरते, ऐसी कौन सी 5 बातें हैं, अगर आप उन बातों को फॉलो करेंगे तो आप अपने केस से निकल भी सकते हैं, केस को सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका मामला पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए कि 41A का नोटिस अगर आए आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर अभी आपने अपनी वकालत शुरू की है, अभी आपने अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू की है, तो ऐसे में आपके सामने भी एक चुनौती आती है जिसमें एंटीसिपेटरी बेल कराना होता है या फिर 41A का नोटिस आपके क्लाइंट के पास आ जाता है। तो जो वीडियो है आज का, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों 41A का नोटिस आता कब है, पहले आप ये समझिए। 41A का नोटिस आपका आएगा जब भी आप किसी भी मामले में आपका नाम आया है, आपकी इन्वॉल्वमेंट आई है। अब वो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि आपके अकाउंट में कोई पैसे आए हो सकता है आपके अकाउंट से कोई पैसे गए हो, या ये भी हो सकता है किसी भी मामले में थोड़ी सी पूछताछ पुलिस को करनी हो, या फिर साइबर सेल से भी 41A का नोटिस आ सकता है। तो ऐसा कोई भी नोटिस कभी भी आपके पास अगर आता है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो अप जरूर करें। सबसे पहली बात कि 41A का नोटिस आपको मिला तो आप घबराएं नहीं, बहुत ज़्यादा आप घबरा जाते हैं, घबराने के बाद में बहुत सारे गलत स्टेप तक आप फॉलो कर लेते हैं, वो सब आपको करना नहीं है। नंबर बंद नहीं करना है, नंबर बंद के घर छोड़कर आप कहीं और चल देते हो, ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है, घबराना नहीं है। घबराएंगे नहीं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल जाएगा, सॉल्यूशन भी निकलेगा और सब तरह से आप केस से बाहर निकल भी जाओगे। सबसे पहली बात घबराना नहीं है। दूसरी बात, आप जब भी कभी 41A का नोटिस आपके घर पे आए तो आप या तो खुद पुलिस स्टेशन चले जाएं, आपको जरूरी नहीं कि पुलिस वाला अरेस्ट कर ही लेगा, या तो आप किसी भी जानकार सगे संबंधी को आप पुलिस स्टेशन भेजें। ये भी नहीं कर सकते, किसी भी वकील साहब को आप पुलिस स्टेशन भेजें, सबसे पहले केस को समझने की कोशिश करें कि केस क्या है। जब तक केस नहीं पता होगा, जब तक आप कोई ना कोई गलत स्टेप आप लोगे, और उसी गलत स्टेप लेने की वजह से ही आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। पहले केस को समझें, केस को जानें कि क्यों आपके पास 41A का नोटिस आया है, ताकि पूरी कहानी आपको पता हो क्यों आपके पास वो नोटिस सर्व किया गया। दोस्तों तीसरी बात, अगर 41A का नोटिस आपके पास आए तो आप सीधा बेल ना लगाएं। अक्सर मैंने देखा है कि जैसे ही 41A का नोटिस आया सीधा आप एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए चल देते हैं। दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल लेना कोई इतना आसान नहीं है, इतना कोई खेल नहीं है एंटीसिपेटरी बेल लेना, क्योंकि अभी तो क्या है, सिर्फ आपके पास 41A का नोटिस आया है, पूछताछ आप करेंगे, हो सकता है पूछताछ में कोई चीज सामने ना आए और इजीली आप उस केस से बाहर निकल जाएं। बट अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी और गलती से अगर बेल डिसमिस हो गई तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय करना पड़ सकता है, मतलब आप फिर जाओगे हाई कोर्ट, फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से बेल आपकी नहीं होती है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल आप शुरू करते हैं सेशंस कोर्ट से, उसमें मजिस्ट्रेट साहब का जो कोर्ट होता है उससे कोई मतलब नहीं होता एंटीसिपेटरी बेल में। सेशन कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट भी आपको जाना पड़ सकता है, और उसके बाद भी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई गारंटी नहीं कि आपकी बेल हो ही जाएगी। तो पहले आप कोशिश करें, जो दो बातें मैंने आपको बताई आप उन्हें फॉलो करें, अगर फिर भी नहीं बात बनती तो ही आप एंटीसिपेटरी बेल लगाएं, पर सीधा आप एंटीसिपेटरी बेल ना लगाएं, आपका केस बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, आपको समस्या हो सकती है। चौथी बात दोस्तों कि अक्सर मैंने ये देखा है कि जब भी कोई एंटीसिपेटरी बेल लगाता है या फिर 41A का नोटिस किसी घर पे आता है तो वो सबसे पहले नंबर बंद कर लेता है, फोन बंद कर लेता है, घर से फरार हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए आप बेल लगा रहे हो, बेल अगर आप लगा रहे हो, बेल तो खैर आपको लगानी ही पड़ेगी, अगर 41A के नोटिस में आप जाकर पुलिस के साथ कोऑपरेशन नहीं करते हो, साथ में जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें सहयोग नहीं करते हो तो, पर ऐसे में पुलिस आपके अगेंस्ट 82 की प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है, जो एब्सकॉन्ड की प्रोसेस होता है, जो कि भगोड़े के लिए प्रोसेस चलाया जाता है 82-83 का, उस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को आप देख लेना तो आप समझ जाओगे, हालांकि हमारे होम पेज पर ही वो वीडियो डला हुआ है। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल आप ना करें, फरार बिल्कुल ना हो, आप उस केस से भागे नहीं,
केस का सॉल्यूशन निकालें, केस के देखें किस तरह सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आप अगर फरार हो जाएंगे तो केस आपका और ज्यादा बिगड़ जाएगा और लास्ट में आप जेल जाओगे, और फिर जब जब आपकी बेल लगाई जाएगी तो वहां पर पीपी साहब जो सरकारी वकील होते हैं वो यही बात बोलेंगे कि एब्सकॉन्ड थे, फरार थे, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, अगर बेल दे दी गई तो दोबारा से फरार हो सकता है, तो ऐसी गलती आप ना करें। पांचवी बात, जो पांचवी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि हो सके तो आप ऐसे मामले में अगर पैसे का लेन देन किसी भी इंसान से है तो आप उसे कंपाउंड करें, क्योंकि जो चीटिंग का मामला है 420 का अगर मामला बनता है तो कंपाउंडेबल है, तो उसमें बैठकर हो सकता है आपकी किसी भी तरह से सहमति से राजीनामा हो जाए, राजीनामा अगर होता है तो आप कर लें, उससे आपका केस खत्म हो सकता है, केस खत्म भी हो जाएगा, इजीली आप निकल भी जाएंगे, और अगर झूठा केस आपके ऊपर हुआ है तो राजीनामा करने की कोई जरूरत नहीं, केस को आप फाइट कीजिए, उस केस से आप निकल जाएंगे, बरी भी हो जाएंगे, हो सकता है आप केस को क्वैश भी करा पाएं, पर झूठे केसेस को फाइट करना चाहिए। ऐसे राजीनामा आप करते हो पैसा भी भरोगे और साथ में परेशान भी रहोगे, ये चीजें ठीक नहीं। छठा पॉइंट दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी मामला अगर कुछ इस तरह का होता है कि जो पूरी तरह से फेक है, फर्जी है, झूठा है, तो ऐसे में आपको क्वेश्चन लगानी चाहिए, मतलब कि आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए आप जब जाते हैं तो इसमें आप एफआईआर को क्वेश करवाते हैं, मतलब कि एफआईआर नहीं बनती, एफआईआर मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो एफआईआर हुई है वो फेक है, फर्जी एफआईआर है, तो ऐसे में आप क्वेश जरूर लगाएं। अगर आप मान लीजिए बेल लगाने नहीं भी जाते हैं, आपने एंटीसिपेटरी बेल नहीं भी लगाई है, तो सीधा आप क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं, ये भी आपके पास एक प्रावधान है। पर 41A का नोटिस आए तो डरे नहीं, घबराए नहीं, फरार ना हो, आप फोन बंद ना करें, चीजों का डट के सामना करें। कोई भी किसी भी तरह की सपोर्ट हेल्प आप चाहते हैं हमसे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें या हमें व्हाट्सएप करें, हो सकता है हम आपकी कोई इसमें मदद कर सके। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके, और अच्छा लगा आज का वीडियो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।